मृत्यु प्राणान, मनुष्य के प्राणों को कौन हरता है? ये मृत्यु, मृत्यु तुम्हारे प्राणों को हर लेती है। लेकिन यदि तुम्हें आत्मबोध हो जाए कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मृत्यु भी तुमको नहीं मार सकती है। मृत्यु शरीर को मारती है, आत्मा को नहीं मारती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो। शरीर के मरने से भी तुम नहीं मरते हो। शरीर तो न जाने कितनी बार जन्म ले चुका, कितनी बार मर चुका है, लेकिन तुम्हारा ना तो जन्म होता है, न तुम्हारी मृत्यु होती है। तुम अजन्मा हो, तुम अमृत पुत्र हो, अविनाशी हो। तुम बदल बदल करके जन्म लेते हो, कभी मनुष्य की योनि में, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में, कभी बनिया पट्टी में, कभी पूर्णिया में, कभी अररिया में, कभी खगड़िया में, कभी नारी बनकर, कभी पुरुष बनकर, कभी पागल बनकर, कभी बुद्धिमान बनकर, कभी अंधे बनकर, कभी खोप दिख रहा है ऐसा आंखें लेकर पैदा होते। विचित्र विचित्र जन्म मिलता है, और जितना जन्म होता है, ये कोई भगवान सेटिंग नहीं करता तुम्हारे जन्म की, ना तुम्हारे कर्म सेटिंग करते। ऐसे पुण्य कर्म करो, अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छा शरीर जन्म लेगा, धन दौलत अच्छी मिलेगी। पुण्य कर्म करके जन्म लो तो ऐसे गांव में जन्म होगा जिस गांव में गुरुजी सत्संग सुनाने आएंगे, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, ऐसी जगह जन्म होगा। सौभाग्यशाली है लोग बनिया पट्टी कांझा के और इस क्षेत्र के लोग, सैकड़ों गांव से लोग आ रहे हैं, भाव से आ रहे हैं। देखना ये कुंभ मेला जैसा लगने वाला है, शाम को कुंभ मेला हो जाएगा, कल ये महाकुंभ हो जाएगा, तो परसों जयराम जी की हो जाएगी, सब चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। परसों यदि हम रहना चाहें तो लोग हमें रख लेंगे। रख लोगे कि नहीं रख लोगे? हैं? रख लोगे, लेकिन सत्संग सुनाना पड़ेगा, फोकट में कोई नहीं रखेगा। गाय को लोग रखते हैं तो दूध दुहने के लिए रखते हैं, तो हमको भी रखेंगे तो प्रवचन सुनने के लिए, और मैं प्रवचन सुना भी दूंगा, क्योंकि फूल को खुशबू देने में क्या मेहनत और गुरु को सत्संग सुनाने में क्या मेहनत। ये तो गुरु का स्वभाव ही है सत्संग सुनाना। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती है। उन्नति का साधन सेवा है। बाबा उठ के चले जाए करो, रोज कहना ना पड़े। जिससे ही आत्म शुद्ध होती, शैलेश पंड्या। पर लोभी मोही, सेवा कौन नहीं कर पाता है? लोभी नहीं कर सकता, क्योंकि लोभी कंजूस है, सेवा में पैसे भी खर्च होते हैं। पर लोभी मोही, मोही तो अपना घर ही नहीं छोड़ पाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं, कैसे सेवा करेगा। और अभिमानी अहंकार के कारण सेवा नहीं कर पाता है, किसी को पानी पिलाना हो अपनी बेइज्जती समझता है, बिस्तर बिछाना हो तो अपनी बेइज्जती समझता है। अभिमानी को हर जगह बेइज्जती ही लगती है, और जिसके पास अभिमान नहीं है वो दूसरों को जब पानी पिलाता है तो उसको लगता है कि मेरी इज्जत बढ़ रही है। याद रखना, अभिमान तुम्हारी बेइज्जती करता है और नम्रता तुम्हारी इज्जत बनाती चली जाती है। इसलिए अभिमान को विदा कीजिए और नम्रता की नदी बहा दीजिए, ताकि हर जगह तुमको इज्जत मिलती रहे।
भी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने पर लोभी अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने जग में सत्संग बिना मानव संपत्ति गति पाना क्या जाने जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने असुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने असुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने सत्संग में आना क्या जाने सत्संग में आना क्या जाने उन्नति का साधन सेवा है। राम ने गुरु वशिष्ठ की सेवा किया था, भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र की सेवा किया, भगवान राम ने भरद्वाज ऋषि की भी सेवा किया, वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर के प्रणाम किया, नमन किया, अगस्त मुनि के आश्रम पर जाकर आशीर्वाद लिया। राम के पास में न लोभ है, न मोह है, न अभिमान है, इसलिए भगवान का पद पाया है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, धनवान बनो लेकिन धन का लोभ ना करो, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचो पर पद का अभिमान ना करो। बड़े से बड़े परिवार में रहो लेकिन परिवार का मोह न करो। सबसे प्रेम रखो, जहां तक हो सके परिवार में संगठन बना कर रहो, भाई भाई ज्वाइंट फैमिली रखो। यदि तीन भाई हो, तीन मकान शहर में, तीन मकान गांव में, तीन ट्रैक्टर, तीन कार, छह मोटरसाइकिल खरीद लो, सब बेटियों का विवाह कर दो, बेटों का विवाह कर दो, उसके बाद बंटवारा कर लो। भाई भाई एक कटोरी में खीर खा लो, गले मिल लो कि बहुत दिन साथ साथ निपट गया, अब सब काम हो गया, अब नई पीढ़ी आ गई, अब बंटवारा करना उचित है, लड़ाई झगड़े का नंबर ना आए। गोतनी गोतनी भी प्रेम से रहो, गोतनी गोतनी गोता मत लगाओ, भाभी और भाभो उससे भी प्रेम रखो, देवरानी जेठानी क्या संसार से लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो, सब यहीं छूटने वाला है। किसी आश्रम के महंत बनो, अभिमान ना करो कि आई एम महंत, छूने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा। अरे महंत नहीं, ये काम तो मूर्खता का है, सबको खाने दो, माल छकने दो, सबको खुश रहने दो। आज मैं छत पर परिक्रमा कर रहा था श्री दिनेश यादव के, नीचे झांक कर देखा तो पुलिस वालों पर नजर पड़ गई,
मैंने कहा प्रातः काल का प्रणाम आपको। पुलिस वाले खुश हो गए कि मेरा सगा बेटा न प्रातः काल का प्रणाम किया न सायंकाल का, ये महाकाल बना बैठा है। ये गुरु कैसा है, खुद प्रणाम कर रहा। फिर मैंने पूछा कुछ चाय वाय मिली, तो कुछ नहीं कहा, मैं समझ गया नहीं मिली। हमने कहा दिनेश जी इनको सुबह शाम चाय पिलाओ। नाश्ता बन गया, कटोरी में लेकर वो छोले खा रहे थे पुलिस जवान। मैं फिर ऊपर से झांक लिया, मैं झांकता भी बहुत हूं। व्यवस्था को देखता रहता हूं। प्रेम से खा रहे थे, मेरा मन खुश हो गया। मैं नहीं खाया था, मैं तो सबसे बाद को खाता। वो खा रहे थे, सब संत खा रहे थे, भक्त खा रहे थे, और इतना टेस्टफुल छोले बने थे, क्या पूछना है। कटोरी चाट चाट के सबने खा लिया। मन में तो इच्छा थी और मिल जाए तो ठीक है। लास्ट में मैं भी खाया, बड़ा स्वादिष्ट नाश्ता। सबसे प्रेम करो, यदि पुलिस जवान आपके साथ रहते हैं उनको दुख न दो। इनके अंदर भी आत्मा है, इनके अंदर भी भक्ति है, इनके अंदर भी सत्संग की प्यास है, और इनके अंदर भी गुरु से प्रेम है, और ये भी आशीर्वाद की आस लगाए हुए है। ड्यूटी और नौकरी तो अलग चीज है, लेकिन गुरु तो इन पर भी तो कृपा करेंगे, इनको भी आशीर्वाद दें। परिवार में किसी सदस्य को दुख न देगा। सेवा 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 उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। आत्म शुद्धि गुरु की सेवा से, माँ बाप की सेवा से, सास ससुर की सेवा से, अतिथि की सेवा से, महान पुरुषों की सेवा से। एक बंदर है हनुमान, लेकिन भगवान राम की सेवा करता है। बंदर कितना चंचल होता है आप जानते हैं, बंदर का स्वभाव, लेकिन वो बंदर भगवान की सेवा करके इतना महान हो गया कि बंदर भी हनुमान भगवान हो गया, बस बंदर की पूजा होने लग गई। सेवा तुमको पूजनीय बना देती है, तुमको महान बना देती है। लक्ष्मण ने राम की सेवा किया था, लक्ष्मण की भी मूर्ति मंदिर में लगी हुई है। देखना, भरत की मूर्ति सब जगह नहीं लगती, शत्रुघ्न की नहीं लगती है, भाई है इसलिए कहीं कहीं लग जाती है, लेकिन लक्ष्मण तो साथ छोड़ते ही नहीं। अयोध्या में राम रहे तो लक्ष्मण साथ में, वनवास में राम रहे तो लक्ष्मण साथ में। सीता जी अयोध्या में राम रहे तो साथ में थी, और वनवास में गए राम तो साथ में थी। सीता जी की मूर्ति भी लग जाती है, लोग कहते हैं सीता राम का मंदिर है, कहते कि नहीं कहते। नारी बनो, ऐसी नारी बनो, अपने पति का साथ निभाओ, तो पति के साथ साथ में तुम्हारा नाम जुड़ेगा, और पति के साथ साथ में तुमको सम्मान मिलेगा। आज राष्ट्रपति के साथ में उनकी पत्नी जाती है प्रोग्राम में। अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आए थे, ट्रंप जी, उनकी पत्नी भी आई थी। राष्ट्रपति के सम्मान के साथ साथ पत्नी का भी सम्मान होता है। तुम्हारे भारत देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भोपाल में मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आए, उनकी पत्नी भी साथ में, उसका भी सम्मान हो रहा था। महान पति की पत्नी का भी सम्मान होता है, जो पत्नी अपने पति का साथ देती है उस पत्नी का भी आदर होता है। जैसे सीता जी भी मंदिर में खड़ी है, उनका भी लोग दर्शन करते हैं। इसलिए सभी पत्नियों से कहूंगा कि अपने अपने पति का साथ देना, उसको सहयोग देना, तो आपका भी सम्मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। कोई अनाउंस ना करे, अनाउंस करने वालों को मना करो, कह दो जब तक प्रवचन चले कोई अनाउंस नहीं करना। उन
मुक्ति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। गा दो, सब लोग गा दो। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। जिससे ही आत्म शुद्धि होती है, नहीं है उसमें फादिल लगाओगे कविता बिगड़ जाएगी। हाँ, उसमें है लगा ही नहीं है, और तुम फालतू है लगा दोगे। अब जैसे खीर में नमक थोड़े डाला जाता है, तुम फिर भी डाल दोगे तो खीर खराब हो जाएगी। समझना चाहिए। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सतसंग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। बस लोभ सेवा करने से रोकता है, अभिमान सेवा करने में ब्रेक लगाता है। लोभ होगा तो तुम धन से सेवा नहीं कर पाओगे, अभिमान होगा तो तुम शरीर से सेवा नहीं कर पाओगे, और मोह होगा तो तुम किसी प्रकार से सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए मोह के पिंजरे से भी बाहर आ जाइए। जिनसे तुम मोह करके सेवा नहीं कर पाते हो, ये सब परिवार एक दिन छूट जाएगा, एक दिन तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा। ये शरीर डेड बॉडी पड़ी होगी ना, तुम फिर घर का मोह करोगे ना, परिवार का मोह करोगे ना, धन का लोभ करोगे ना, किसी चीज का घमंड करोगे। आखिर एक दिन धन यमन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन यमन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सोचो, धन यमन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती, गुरु ज्ञान के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं।
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन यमन रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, धन यमन रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन अर रूप खजाना, धन यौवन अर रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, एक दिन तुझे बुलाएंगे, एक दिन तुझे बुलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो, झूठ कल्पना जो करते हो, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। जगत सराय दो दिन की है, जगत सराय दो दिन की है, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली, लो रे कोई आवा, जय हो संत लोग, शोर मचाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। एक दिन होगी चला चली, आखिर होगी चला चली, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली। इसलिए ये गीत सुन करके शिक्षा लेना, संसार में कोई हमेशा रहता नहीं, एक अवसर मिला है परिवार की सेवा का कर लीजिए, गुरु सेवा का अवसर मिला कर लीजिए, संत सेवा का अवसर मिला कर लीजिए, भक्तों की सेवा का अवसर मिला है कर लीजिए। ये सत्संगी भाइयों बहनों को ये दो दिन भोजन और पानी खिलाने पिलाने का अवसर मिला है कर लीजिए, ये हमेशा कहाँ आने वाले हैं, ये मेला रोज लगने वाला नहीं है, ये तो सौभाग्य है बनिया पट्टी और कांझा वालों का, जिनके प्रेम में सब लोग आए हैं गुरु की वाणी सुनने, इनकी सेवा कर लीजिए, यही सेवा मुक्ति का द्वार खोलेगी, यही सेवा कल्याण करेगी। और
गुरु से प्रेम रखना, प्रवचन सुनते रहना। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। भंवर विलंबे बाग में बहुफूलन की बास, जीव विलंबे विषयन में अंतह चले निरास। जैसे भौरा फूलों के बगीचे में जाकर के फूलों की खुशबू में पराग में भूल जाता है, ऐसे ही याद रखना। मनुष्य संसार में आकर के संसार की विषय वासनाओं में फंस करके, मोह माया में फंस करके भक्ति को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है, कर्तव्य को भूल जाता है। आपको भूल सुधार करने वाले गुरु जी आए हैं। भूल मिटई गुरु मिलई पारखी, पारख देही लखाई, कहीं कबीर भूल की औषधि पारख सबकी भाई। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।